नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली के बाद छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का उत्साह देश के बिहार, झारखंड और पूर्वी हिस्सों में काफी अधिक देखने को मिलता है। हालांकि ये पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर साल छठ पूजा का त्योहार कार्तिक शुक्ल के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूर्य षष्ठी कहने का एक कारण ये भी है कि इस दिन छठी मैया के साथ सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं और उनसे संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन की मंगल कामना करती हैं। इस व्रत की गिनती सबसे कठिन उपवासों में होती है। ये व्रत नहाए खाए से शुरू होकर चौथे दिन सूर्योदय के समय उगते सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होता है। कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो खास उपाय। छठ पूजा के दिन सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाकर पंचोपचार करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान भगवान को लाल पुष्प अर्पित करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सुबह नहाने के बाद तुरंत सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद गुड़ और कच्चे चावल को बहते हुए जल में प्रवाहित करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दिन पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से सूर्य के मंत्र को जाप करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। छठ पूजा के दिन तांबे का सिक्का या चौकार टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करने से सूर्य दोष कम होता है। लाल रंग के कपड़े में गेहूं और गुड़ को बांधकर किसी जरूरतमंद को दान देने से भी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।